तो एनसीबी ने उन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें आज तक कहा जाता रहा है कि कानून बिकाऊ है, पैसे और पावर के आगे न्याय की कोई कीमत नहीं है। मगर आर्यन खान के मामले में मुंबई सेशंस कोर्ट और एनसीबी ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि कानून ना तो कभी बिकाऊ था और ना ही कभी होगा, क्योंकि शाहरुख खान जैसा अरबपति आदमी जिसके पास पैसा और पावर दोनों हैं, मगर फिर भी शाहरुख खान के बेटे को जेल से बाहर निकालने की तमाम कोशिशें धरी की धरी रह गईं। चौथी बार शाहरुख खान को बड़ा झटका लगा और आर्यन खान की जमानत याचिका एक बार फिर से अटक गई। आर्यन खान को 14 अक्टूबर को भी जमानत नहीं मिली और अब कम से कम 20 अक्टूबर तक आर्यन को तो जेल में ही रहना पड़ेगा। तो कैसे कोर्ट में शाहरुख के वकीलों के आगे भारी पड़ गई एनसीबी की दलीलें और कैसे एनसीबी ने शाहरुख के लाडले के एक एक गुनाह कोर्ट में गिनवा दिए, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो 14 अक्टूबर को तय माना जा रहा था कि आर्यन खान को किसी भी कीमत पर बेल मिल जाएगी और आर्यन जेल से बाहर आ जाएगा। खबरें तो ये भी आ रही थी कि शाहरुख खान के बंगले मन्नत में आर्यन खान के ग्रैंड वेलकम की तैयारी चल रही है, मगर कोर्ट के फैसले ने सभी तैयारी और सभी अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। 14 अक्टूबर की सुबह से ही मुंबई के सेशंस कोर्ट के बाहर खूब गहमा गहमी थी। एनसीबी के आला अधिकारी पहुंचे तो दूसरी तरफ से सतीश मान शिंदे की टीम भी कोर्ट में भारी भरकम फाइलों के साथ पहुंची। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी कोर्ट के बाहर अफरा तफरी में नजर आई। सबको लग रहा था कि आर्यन को आज जमानत मिल जाएगी, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। आर्यन ही क्या, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा को भी कोर्ट ने बेल नहीं दी और इन तीनों को ही 20 अक्टूबर तक जेल में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि कैसे एनसीबी की दलीलों के आगे सतीश मान शिंदे की टीम पानी भरते हुए नजर आई। तो सुनवाई शुरू होते ही आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे की टीम के एडवोकेट अमित देसाई ने आर्यन को पूरी तरह बेगुनाह बताया और दलील दी कि आज की यंग जनरेशन की इंग्लिश काफी अलग होती है और आर्यन तो विदेश में पढ़ा हुआ है, तो जांच एजेंसी को आर्यन की बातचीत के तरीके पर संदेह हुआ, जबकि आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। आर्यन को बेकार ही जेल में रखा जा रहा है। आर्यन के वकील ने यह भी कहा कि आर्यन बहुत रेप्यूटेड परिवार से बिलोंग करता है, उसके पास बेशुमार पैसा है, ऐसे में वो क्यों ड्रग का काम करेगा। आर्यन के वकील ने यहाँ पर जोर देते हुए कहा कि एनसीबी आर्यन पर बेफिजूल के आरोप लगा रही है कि आर्यन के कनेक्शन इंटरनेशनल ड्रग तस्करी से जुड़े हैं, जबकि आर्यन को ऐसा कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसके बाद एनसीबी की तरफ से पेश हुए सरकारी वकील ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कहा कि कोई जरूरी नहीं है कि किसी के पास ड्रग बरामद हो वो तभी आरोपी है, कोई जरूरी नहीं है कि किसी के पास चाकू बरामद हो तो वो तभी उसने कत्ल किया है। हमारे पास कई ऐसे सबूत मौजूद हैं जिससे साफ होता है कि आर्यन कई सालों से ड्रग ले रहा है, वो ड्रग का आदतन अपराधी है। एनसीबी के वकील ने कहा कि अगर आर्यन को बेल दे दी जाएगी तो वो अपने रुतबे के आधार पर सबूतों को नष्ट कर सकता है या फिर सबूतों में हेर फेर भी करवा सकता है। अब इसके बाद आर्यन के वकील ने अपनी दलील में कहा, ड्रग रेव पार्टी से जुड़े कोई भी मैसेजेस या चैट्स उपलब्ध ही नहीं है, एनसीबी बेबुनियाद कहानी बना रही है और हमारे क्लाइंट पर आरोप लगा रही है। आर्यन खान काफी लंबे समय से विदेश में रहे हैं, उन देशों में कई ऐसी चीजें वैध होती हैं। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह की चैट है, इस मामले में मुझे साजिश और अटकलों की संभावना ज्यादा लग रही है। आर्यन के वकील ने कहा, अपराध का अनुमान लगाना सेक्शन 35 ट्रायल के समय तो लागू किया जा सकता है, मगर जमानत के वक्त नहीं, कई सारी चीजों को दूसरी स्टेज पर देखा जाएगा। मैं किसी को बरी करने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ बेल देने के लिए कह रहा हूँ। अब इसके बाद एनसीबी की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए सरकारी वकील ने कहा, बात सिर्फ आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट या फिर मुनमुन धामेचा की बेल की नहीं है, हमारे लिए आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन धामेचा एक समान अपराधी हैं। यहाँ पर बात ड्रग्स की हो रही है जो कि देश की युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में डाल रही है और बर्बाद कर रही है। अगर आज आर्यन समेत इन तीनों को बेल मिलती है तो लोगों को लगेगा कि ड्रग को लेकर
हमारा कानून बहुत लचीला है। लोग आर्यन की बेल को नजीर की तरह पेश करेंगे और फिर ड्रग के गंदे धंधे को रोक पाना किसी भी एजेंसी के लिए कभी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कोर्ट से गुजारिश करते हैं कि आर्यन समेत तीनों आरोपियों को जमानत ना दी जाए। अब कोर्ट में इसी तरह से दोनों तरफ से आर्गुमेंट्स होते रहे। लंच से पहले और लंच के बाद भी दोनों पक्षों की दलीलें चलती रहीं। इसके बाद कोर्ट ने साफ कहा, हम आज तो जमानत नहीं दे सकते। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं कि जमानत की सुनवाई 20 तारीख तक के लिए एक्सटेंड कर दी जाए। कोर्ट ने कहा, हम जमानत के फैसले को फिलहाल सुरक्षित रख रहे हैं और 20 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई की जाएगी। तब तक तीनों ही आरोपियों को जेल में रहना पड़ेगा। अब कोर्ट के इस फैसले से एनसीबी तो काफी संतुष्ट नजर आई, मगर आर्यन के वकीलों के चेहरों का रंग बुरी तरह उड़ गया, क्योंकि अब 19 अक्टूबर तक कोर्ट की छुट्टी है और अब आर्यन खान को 20 तारीख तक यानी कि 6 दिन और जेल में ही सड़ना पड़ेगा। एनसीबी की दलीलों के आगे सतीश मान शिंदे की टीम की एक भी नहीं चली और वहीं मन्नत में आर्यन की ग्रैंड वेलकम की जो तैयारियां चल रही थी वो भी धरी की धरी रह गई। तो एनसीबी की दलीलों पर, कोर्ट के फैसले पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। दोस्तों, आर्यन खान से जुड़े ड्रग्स केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एनसीबी हर रोज नए नए कनेक्शंस और खुलासे कर रही है। अब आर्यन केस में एक नया और बड़ा खुलासा हुआ है जो सुशांत केस से भी पर्दा हटाने में काफी मददगार साबित होगा। बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय भी जरूर रखें। तो ड्रग्स नगरी मुंबई में उथल पथल मची है, चारों तरफ हड़कंप मचा है, पूरे बॉलीवुड में सन्नाटा पसरा है। जहां कभी रोल, कैमरा, एक्शन और कट जैसे शब्द गूंजते थे, आजकल क्रूज, पार्टी, आर्यन और ड्रग्स की आवाज कानों में आ रही है। आर्यन ड्रग्स केस में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। हर रोज एनसीबी परत दर परत छिलका उतार रही है और जैसे जैसे अंदर जा रही है, ड्रग्स और सिर्फ ड्रग्स मिल रहा है, और वो लोग मिल रहे हैं जिनका किसी न किसी तरह से ड्रग्स से संबंध रहा है। एक एक करके गुनहगार और काले चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। जब से आर्यन खान ड्रग्स मामले में आरोपी बने हैं, तब से बेचारे शाहरुख खान की कुंडली में शनिवार कुंडली मारकर बैठ गया है और मंगल भी टेढ़ा नजर आ रहा है। किंग खान कंगाल खान बन गए हैं। रईस खान फकीर की तरह बेटे की रिहाई के लिए झोली फैलाए घूम रहे हैं। लेकिन अब मामला और पेचीदा हो गया है दोस्तों। अब तो सीधे तौर पर शाहरुख खान के ड्राइवर का नाम सामने आ गया है। एनसीबी ने शाहरुख खान के ड्राइवर से पूछताछ की है और उसने जो बयान दिया है उससे शाहरुख खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही ड्राइवर आर्यन को मन्नत से पोर्ट पर लेकर गया था। एनसीबी ये जानने की कोशिश कर रही है कि आर्यन रास्ते में कहां कहां रुका था और क्या क्या किया था। ड्राइवर वो सब कुछ बता रहा है जो घटनाएं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी ने एक ऐसे ठिकाने पर छापेमारी की जिसका नाम सुशांत केस में काफी उछला था लेकिन बच गया था। अब पूछताछ में आर्यन ने उसका नाम उगल दिया और एनसीबी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसके ठिकाने पर छापेमारी की। इस आरोपी का नाम है इम्तियाज खत्री। कहने को तो इम्तियाज खत्री एक बिल्डर है दोस्तों, लेकिन सच्चाई कुछ और है। इम्तियाज का नाम पहले भी ड्रग सप्लाई मामले में सामने आ चुका है और इसी ने अरबाज और आर्यन तक ड्रग सप्लाई की थी। इम्तियाज से भी एनसीबी ने पूछताछ की। इस मामले में एक बड़े नेता का नाम भी सामने आ रहा है और वो नेता हर बार अपने बयानों से एनसीबी को उकसा रहा है और ऐसे में एनसीबी और मुखर होकर आर्यन खान पर शिकंजा कस रही है। वो नेता है उद्धव सरकार में मंत्री, एनसीपी नेता नवाब मलिक। नवाब मलिक ने एक बयान देकर और फजीहत करा दी। नवाब मलिक ने कहा कि एनसीबी बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। क्रूज से 11 लोगों को पकड़ा गया था लेकिन 3 लोगों को छोड़ दिया गया जो बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता थे। इस पर एनसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहां एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी मौजूद रहे। एनसीबी ने साफ कहा कि जांच निष्पक्ष और सबूतों के आधार पर की जा रही है। साथ ही एनसीबी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें साफ देखा जा सकता है कि क्रूज पर सैनिटरी पैड में ड्रग की गोलियां पाई गई हैं। तो नवाब मलिक साहब, अपने बयानों से क्यों शाहरुख और आर्यन को और दलदल में धकेल रहे हो? क्यों और फंसा रहे हो? आखिर किस जन का बदला निकाल रहे हो? अब आर्यन ने कबूल भी कर लिया है
कि वो ड्रग्स लेता है। उस दिन भी उसकी ड्रग्स लेने की तैयारी थी, लेकिन तब तक एनसीबी ने उसे दबोच लिया। नवाब मलिक साहब, एक सवाल और कि जब एनसीबी बीजेपी नेताओं को छोड़ रही थी तो महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, आप उन्हें गिरफ्तार करा देते, लेकिन नहीं, आपको तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है। क्या गिरफ्तार लोगों में सिर्फ आर्यन है या सिर्फ मुसलमान है? जो भी उस केस में आरोपी हैं, जिनका भी नाम उस केस में सामने आया है, एनसीबी ने उन सबको गिरफ्तार किया है, तो सिर्फ आर्यन और शाहरुख से इतनी मोहब्बत क्यों?